जबरदस्ती औरतों को डिटेन कर रही है, ये बिल्कुल कानूनन अपराध है। ये संसद के बाद ये दिल्ली पुलिस औरतों को डिटेन कर रही है, ये कानूनन तो अगर आप बता पाए, हम देख रहे थे कि पहले वहाँ से पुलिस ने आप लोगों को डाइवर्ट किया और फिर आप लोगों के साथ मारपीट हुई है, अगर आप बता पाए हुआ क्या आप लोगों के? देखिए, आज हम लोग 38 दिन से हड़ताल पे हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति भवन इसीलिए जा रहे थे क्योंकि 38 दिन से हम लोग सिर्फ एक सिंपल डिमांड कर रहे हैं जो ये नहीं मान रहे हैं। और हमारा मांग सिर्फ इतना सा था कि आप एक सर्कुलर ले आइए, इस चीज़ को आप टाल दीजिए। लेकिन आज हम राष्ट्रपति भवन जब मार्च करने लगे, भीकाजी कामा प्लेस के पास पहुँचे, उसके बाद पुलिस ने हमें डाइवर्ट करने की कोशिश की। वहाँ पे भीकाजी कामा प्लेस के सर्कल पे वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ। उसके बाद छात्र इधर आए, ये गेल के पास, और यहाँ पर दोबारा भीकाजी कामा मेट्रो स्टेशन के पास लाठी चार्ज किया गया। मैं पुलिस का जो व्यवहार था, जो पुलिस का रवैया था, उनको सिर्फ एक चीज़ की चिंता थी कि किसी भी तरह से उनका जो वीआईपी ट्रैफिक है, जिस तरह का उनकी मानसिकता है, वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि किस तरह से उनको छात्रों को यहाँ से खदेड़ना है। बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया, लातों से, घूसों से, थप्पड़ से मारा गया है। और मुझे पर्सनली, मतलब जिस तरह से उन्होंने मारा, बकायदा मेरे चश्मा टूटते टूटते वहाँ पर बचा है। तो और पुलिस का जो रवैया बिल्कुल गुंडों के जैसा था, किसी भी हालात से आप इसको मतलब एक सभ्य समाज की पुलिस नहीं कह सकते। ये जो इनका रवैया, ये दिखाता है इस सरकार का और पूरा का पूरा जो तंत्र है उसका जेएनयू के प्रति एक बायस है। वो नहीं चाहता कि सिचुएशन हॉल्ट हो। जेएनयू के छात्रों को कोई शौक नहीं है कि रोज़ सड़कों पे आएँ, रोज़ आके जनता के लिए किसी तरह का इनकन्वीनियंस है, वो हमारा इरादा कभी नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से जेएनयू के छात्रों को पुश किया जा रहा है, उनकी फ़ीस को बढ़ाया जा रहा है और उनको एक तरह से कॉर्नर किया जा रहा है, ऐसे में हमारी जो मांगे हैं, जायज़ मांग, उसके लिए हम आएंगे। और अगर पुलिस को ये लग रहा है, अगर इस तंत्र को लग रहा है, अगर वाइस चांसलर को लग रहा है कि यहाँ से हमारा प्रोटेस्ट कम हो जाएगा, जितनी आप लाठी मारेंगे, जितनी आप लात मारेंगे, और बढ़ेगा, और तादाद में छात्र आएंगे और उनकी हिम्मत को आप तोड़ नहीं सकते इस तरह से। अगर आप हमें बता पाएँ कि हम जब देख रहे थे आगे से, तो पुलिस ने आपको भीकाजी कामा की प्लेस की तरफ जो डाइवर्ट किया, उसके बाद हमने देखा कि कई बार जो पुलिस की ब्रुटैलिटी हुई है, आपको भी चोट लगी है, अगर आप बता पाएं क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, इनका बराबर रवैया होता है, वैसे हमें परमिशन था यहाँ से थोड़ा आगे जाने का, तो ये लोग क्या करते हैं, दो बार लाठी चार्ज किया। इनका रवैया ये होता है कि प्रोटेस्ट जब चल रहा है तब लाठी चार्ज करना बीच बीच में चालू करो, तो भर भर के स्टूडेंट्स जो है मार खाते हैं, वो दर्द में है, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो आखिर तक जब पहुँचता है पूरा प्रोटेस्ट क्राउड, जब पहुँचता है वो घट के बहुत कम हो जाता है। पुलिस टू स्टूडेंट रेशियो, पुलिस टू एजिटेटिंग स्टूडेंट्स रेशियो, वो बहुत बढ़ जाता है। अभी एक एक स्टूडेंट के ऊपर तीन तीन चार चार पुलिस है, यही है। आपको चोट कैसे लगी? ये मेरे एक दोस्त को अरेस्ट कर रहे थे, तो हम सब ने इंटरवीन करने का कोशिश किया, रोकने का कोशिश किया, तो ये लोग रस्ते में से हमें भी उठाने लग गए। तो हम जब रेजिस्ट कर रहे थे तब लग गया, किसी एक महाशय ने मुझे मुक्का मारा तो लग गया, मेरा चश्मा टूट गया। बिना चश्मे का मुझे ज़्यादा इतना कुछ दिखता भी नहीं है। अब पैर पर चोट लगा? नहीं, हमें हमारा यहाँ रहना ज़रूरी है। नहीं, हमें तो पहले से पता था कि लाठी चार्ज होने वाला है, तो उसके वजह से प्रोटेस्ट तो नहीं छोड़ सकते, प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। तो दीवार पे पीट टेक गया है, जितना करना हमसे होगा उतना हम करेंगे।
सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि बीपीएल की फैमिली को 50%, और सवाल ये होना चाहिए कि सबको फ्री में शिक्षा क्यों नहीं है, और 50 जेएनयू क्यों नहीं है कि जहाँ फ्री में शिक्षा मिलती हो, जहाँ टैक्स पेयर का पैसा जो है वो शिक्षा में लगाया जाए, वही ये सवाल होना चाहिए। तो सवाल को जो गुमराह करने की कोशिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम अलग अलग तबके के स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके के फीस देने को बोले, वो हमारे पूरे कैंपस का जो माहौल है उसमें अगर डिफरेंशियल फीस स्ट्रक्चर हो जाए तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी स्पेस के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को एक अफोर्डेबल चीप एजुकेशन मिलना चाहिए, ये डिमांड के साथ हम सब खड़े हुए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि हम एक नॉर्मल फीस बोल दें जो हमेशा बढ़ता रहेगा, और हम बोले कि कुछ स्टूडेंट्स ये वाला सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी यूज़ करेंगे कंसेशन में, या सब्सिडी में जो स्टूडेंट्स हैं कुछ और सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। हम ये डिफरेंशियल मॉडल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस कैंपस में हर कोई जिस भी तबके से आ रहा हो वो एक अफोर्डेबल चीप एजुकेशन विथ ऑल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज अवेल कर पाए। कि आज जिसके पास पैसा होगा वो शिक्षा लेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं ले सकता, और इसी आइडिया के खिलाफ आज जेएनयू खड़ा हुआ है। पुणे में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस, एक MIT करके कॉलेज है, MIT की फीस 3.5 लाख एक साल की हो चुकी है। अब मुझे बताइए कौन भर सकता है ऐसा इतना पैसा। तो ये सवाल सिर्फ जेएनयू का नहीं है, पूरा प्राइवेटाइजेशन का सवाल है कि शिक्षा को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, और फिर भी बोलते हैं कि 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी हम बोलते हैं कि मार्केट डाउन है, हम आपको जॉब गारंटी नहीं दे सकते। मतलब भाई अब 15 लाख 14 लाख आप इंजीनियरिंग में खर्च करो और फिर भी आपको जॉब नहीं है, तो ये किस तरीके के, मतलब ये पूरा बाजारीकरण है, तो इसके खिलाफ ये लड़ाई है। देखिए जेएनयू में जैसे यूटिलिटी चार्जेस ऐड किया गया है कि आप पानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, जिसमें क्लियरली समझ में आता है कि स्टूडेंट्स को कस्टमर जैसे ट्रीट किया जाएगा, तो इसका बोलता है कि शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। इसी को हम रोक रहे हैं कि शिक्षा हमारा हक है, इसको बेचा ना जाए। मतलब कौन यहाँ पे पढ़ रहा है वो एक बार लोगों को बाहर से आके देखना चाहिए कि किस तरह से जिनकी माँ घर 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 जाके काम करती हैं, जिनकी माँ घर घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती है, उनके बच्चे भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स में ये हो कि जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसे हों, गाड़ी हो, वही आके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े और अच्छी एजुकेशन हासिल करे। JNU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर दुनिया, मतलब इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं, और बहुत गरीब बैकग्राउंड के लोग आते हैं। 40% ऐसे लोग हैं जो ये फी हाइक जो हुई है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते देना, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे अगर ये फीस रोल बैक नहीं हुई। सो दैट मींस कि इस यूनिवर्सिटी के आधे बच्चे या आई मीन 1/4 बच्चे या उससे ज़्यादा एडमिशन नहीं ले पाएंगे और ये यूनिवर्सिटी खाली हो जाएगी, एंड धीरे धीरे और स्टूडेंट्स भी कम होते रहेंगे। जो भी JNU का साथ देता है या जो भी JNU का स्टूडेंट होता है उस पर एक सवाल उठता है कि JNU टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो उसका मैं एक जवाब देना चाहता हूँ आपके मीडियम से कि टुकड़े टुकड़े यार मेरे हिसाब से वो होता है कि जो देश को तोड़ने का काम करे, और देश कौन नेशनल है कौन एंटी नेशनल है इसका अगर हम को एग्जांपल लेना है तो कॉन्स्टिट्यूशन से बेटर कुछ नहीं हो सकता। आज जो गवर्नमेंट स्टूडेंट पे टुकड़े टुकड़े का आरोप लगा रही है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। हाँ, सिटीजनशिप जो बिल लेके आ रही है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ठीक है, हमारा राइट टू इक्वालिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हमारे फंडामेंटल राइट का हरासमेंट कर रहे हैं लोग। और दूसरी बात, गवर्नमेंट कहती है ये हमारी सेकुलर कंट्री है, हमारा संविधान कहता है, गवर्नमेंट हिंदू राष्ट्र की बात करती है। तो टुकड़े टुकड़े JNU है या गवर्नमेंट है, ये दुनिया, ये समाज हमारा खुद डिसाइड कर लेगा कुछ समय में कि कौन गलत कर रहा है। ये जो गुमराह करने की साजिश करी जा रही है ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूँ।